तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज की वीडियो यार काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले जो निंजा बॉय है वो जी से रिलेटेड काफी सारी चीजें रिवील करते हैं एंड काफी सारी चीजें क्लियर भी करते हैं कि जैसे उन्होंने बात करी, निंजा बॉय ने जो स्टोरी लगाई थी एंड इसके ऊपर जो गोल्डी भाई है उन्होंने ये चीज बोली थी कि फार्मिंग नहीं करनी चाहिए, तो इसके ऊपर उन्होंने रिप्लाई करा, उन्होंने क्या बोला वो आप लोग देख सकते देखो, हैं। सीन ऐसा है कि मैं एक चीज़ समझ रहा हूँ कि तुम लोग ये फार्मिंग फार्मिंग वाला वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हो, वो मैंने भी देखा है। और सीधा सीधा बताऊँ तो तुमने देखा है क्या बोलते हैं गोल्डी भाई का स्ट्रीम, जो भी उन्होंने बोला, आई थिंक उनको भी नहीं है थोड़ा सा आइडिया, मतलब शायद उनको नहीं पता होगा इसलिए वो इतना थोड़ा साइट की चीज़ें बोल दिया, बट ठीक है चलता है। निंजा का भी चीज़ें अलग थी, निंजा के पास भी ऑफर्स एंड ऑल थे, हैं बल्कि ऐसा नहीं है। और वो कहाँ से हैं वो आई थिंक ऑलरेडी सबको आइडिया हो सकता है उस चीज़ का। तो गाइस थोड़ा सा यही बोलूँगा कि भरोसा करो, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ फार्मिंग टाइप स्ट्रेटेजी। जब मेरे पास सोल गोडल सबके ऑफर होंगे ऑब्वियसली इज द बेस्ट प्लेयर, वही बात मैं समझा रहा हूँ कि देखो क्लियर मैं बताऊँ, गोडल तो नहीं थी बंदे आएंगे यार, ठीक है वो जस्ट एक कन्फ्यूजन के लिए था। अब डायरेक्टली वो बोल भी नहीं सकता कहाँ से है ना, वो कभी बोलेगा ठीक है, और वो जहाँ से है वो ऑलरेडी वहाँ का स्टेटमेंट था, बट आधी चीज़ें आधे लोगों को पता है आधे लोगों को नहीं पता है, इसलिए वो एक रॉन्ग स्टेटमेंट टाइप कुछ आया है, बट वो ठीक ही है जो भी है, सबका अपने पर्सपेक्टिव है, जितनी चीज़ें उनको बताते हैं उन्होंने अपनी साइड बोली, मेरे को भी कर देना है बाकी मेरा तो हो जाएगा। एकदम प्यार है भाई, रेस्पेक्ट है गोल्डी भाई के लिए, बट ये कि अबे इससे गोली नहीं पड़ रही, उन्होंने अपनी साइड से बोल दिया था तो पता नहीं निंजा के लिए, वो भी गोल्डी भाई का एक पर्सपेक्टिव किस हिसाब से अच्छा है वो भी सही है, बट निंजा ने जो भी डाला था वो भी एक चीज़ सही है। तो बस बात यह है कि चीज़ें कुछ पता नहीं है इसलिए शायद वो कंफ्यूजन टाइप बोल सकते हैं, कंफ्यूजन हो गया या क्या हो गया, तो वो सब चीज़ें हैं। एक तो मेरे को गोल्डी भाई वाली साइड क्लियर करनी थी सभी को, दिखा दिखा जैसे हुआ। एंड इसके बाद बात करें मवी से रिलेटेड, तो उनकी भी हमारे को इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी देखने को मिली जहाँ पे उन्होंने ये चीज़ लिखी थी, ज़्यादा ओवर थिंक मत करो गाइस, जल्दी लाइव आऊंगा, डाउट्स को क्लियर कर दूंगा, चिल करो। एंड इसके बाद मवी के सीन से रिलेटेड भी आर्क लेना में बात करते हुए दिखाई देते हैं, तो उन्होंने क्या बोला वो भी आप लोग देख सकते हैं। मावी पाजी का क्या सीन है गाइस, सब ठीक है बस में देखो हमारा सब ठीक है, सही बात तो यह है। मावी जी एक्स मावी मैं बता रहा हूँ, तुम तो अपने ही हो सब फ्रेंड, तो सीन ऐसा है कि आपस में सारी चीज़ें ठीक हैं, किसी का कोई दिक्कत है ही नहीं, जैसे तुम समझ रहे हो वैसा कुछ है नहीं कि लड़ाई हुई है कुछ हुआ है, सब चीज़ें एकदम चिल है, एकदम चिल। मावी इनकन्सिस्टेंसी इज़ द प्रॉब्लम ऑफ टीम ब्रेकिंग, नहीं देखो अब चीज़ ऐसी है कि उनका भी फैमिली है भाई, उनका हमसे ज़्यादा बिजी वाला सीन है, बाकी सब बच्चे हैं, बट वो ऑलरेडी तुमको पता है उनका कैसा सीन है घर का, तो उनको भी फैमिली भी देख रही है, स्ट्रीम भी मैनेज करनी है, गेम भी मैनेज करना है, सब चीज़ें हैं, सबका अपना अपना एक वो चीज़ें हो चुकी हैं। एंड इसके बाद यार आप लोग भी पैसा कमाना चाहते हैं यार, आप लोग भी एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स एंड जो कैशबैक हैं गिव अवेज हैं उनमें पार्टिसिपेट लेना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ यार, आप लोग 1x गेम्स पे जाके गेम्स खेल सकते हैं एंड वहाँ पे आप लोगों को काफ़ी सारी गेम्स जो है वो मिल जाएंगे एंड काफ़ी सारे रिवॉर्ड्स भी वहाँ पे चलते रहते हैं एंड काफ़ी सारी चीज़ों पर प्रेडिक्शन करके आप लोग अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। एंड अगर आप लोगों को यार फ्री में पैसा कमाना है तो आप लोग मेरा प्रोमो कोड से जाकर रजिस्टर करोगे, जहाँ पर आप लोगों को गेम एक्स न्यूज़ प्रोमो कोड में डालना है तो आप लोगों को 1,69,000 तक का जो बोनस है वो मिलने वाला है, जिसको आप लोग यूज करके गेम्स खेल सकते हो एंड इसके बाद उस मनी को भी विड्रॉ कर सकते हो, तो लिंक में आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिल जाएगी एंड उसमें आप लोगों को पूरी डिटेल मिल जाएगी कैसे कौन से गेम्स आप लोगों को मिल जाएंगे एंड कैसे आप लोग जीत सकते हैं, तो जाकर डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स के लिंक को टैप करो, जाकर पूरी वीडियो देखो एंड आप लोग भी जाकर अर्न कर सकते हैं अच्छा खासा।
एंड इसके बाद बात करें सवितार से रिलेटेड, तो उन्होंने भी एक स्टोरी लगाई जहाँ पे उन्होंने बताया कल वो लाइव आने वाले हैं, जो स्टोरी अधूरी रह गई थी वो बताने वाले हैं एंड वो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड इसके बाद बात करें अर्कलिन की, तो उन्होंने बात करी कि क्या हमारे को लाइनअप में चेंजेस देखने को मिलेंगे या फिर हमारे को लाइनअप डिसबैन होता हुआ दिखाई देगा एंड या फिर हमारे को क्या चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं, तो इस पर क्या बोला वो भी आप लोग देख सकते हैं। डिसबैंड का क्या सीन है? ठीक है चलो एक क्वेश्चन लेते हैं पहले कि डिसबैंड का क्या सीन है, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो गाइस डिसबैंड का ऐसा सीन है कि हम सब कॉन्ट्रैक्टेड हैं, कोई ऐसा सीन क्लियर है नहीं कि तुम लोग बोलो कि हम डिसबैंड कर रहे हैं, कुछ हो रहा है या जी है निकाल रहे हैं हमको, कुछ भी सीन है ऐसा तो नहीं हो रहा है, ठीक है अभी तक तो। और ये चीज़ें मैं करंट बेसिस पे बोल रहा हूँ, ये मैं आगे के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि आगे क्या होगा या क्या नहीं होगा, वो बात की बात है, बट करंट बेसिस ये है कि हम अभी सब जी में हैं। ये है तुम्हारा परफेक्ट आंसर। और नो नो सेम टीम नहीं है, ये रूमर्स भी मैं ख़त्म कर दे रहा हूँ। एंड इसके बाद आप लोगों को भी पता ही है जो हर्षी है उन्होंने लीव कर दिया था गॉड लाइक को, उनका फेयरवेल हमारे को 2 दिन पहले देखने को मिल गया था, आज वो हमारे को लाइव आती हुई दिखाई दी जहाँ पे उन्होंने बात करी कि क्यों उन्होंने लीव किया गॉड लाइक को एंड काफी लोग उनसे ये भी बोल रहे थे कि दोबारा से ज्वाइन कर लो, तो इन सब पे उन्होंने क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। कुछ चीजें थी ठीक है ऑर्गेन से जो नहीं सॉर्ट हो पा रही थी और मुझे ऐसा लगा कि आगे भी सेम प्रॉब्लम आ सकती है मुझे, तो मेरा ऐसा था कि अभी मैं वो सिचुएशन में नहीं थी कि मैं उस टाइम पे वो चीजें को मतलब ध्यान ना दूं या फिर उस चीजों को छोड़ के भी वो कर पाऊं, तो ये मेरा डिसीजन था कि अभी मैं नहीं कंटिन्यू कर पाऊंगी, बट वही है इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगी बिकॉज जब तक मैं वहां पे थी मेरा बहुत ही प्रॉपर मतलब सब अच्छा चल रहा था, एंड में कुछ प्रॉब्लम्स आई जो नहीं सॉर्ट हो पाई, तो इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया है और कोई रीजन से ही लिया है, अगर मेरे जगह कोई भी होता इस जो पॉइंट पे मैं हूँ तो वो सेम चीज करता, बाकी इट वॉज अ ग्रेट जर्नी। और अभी हम फ्यूचर पे फोकस करते हैं है ना, क्योंकि सब सही है कोई इशू नहीं है अभी। देखो प्रिंस पाठक ऑब्वियसली मतलब वो भी रहता है ऑप्शन रहता है एक इंसान के पास, बट आई डोंट थिंक दैट्स द सॉल्यूशन टू इट राइट नाउ ठीक है। हाय सुगम हेलो, आई डोंट नो कि कुछ लोगों को क्यों लगता है कि एक ही रीजन हो सकता है, बट बहुत सारे रीजंस होते हैं यार। अगर अगर यार टू बी ऑनेस्ट अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है इन जनरल, अभी लिटरली मैंने बस ये सोचा है कि द मोर आई कैन लर्न फ्रॉम थिंग्स विल बी बेटर। और एंड इसके बाद हमारे को जो स्काउट है उनका एक इंटरव्यू देखने को मिला था जहाँ पे वो बेसिकली ये बताते हैं कि जो नियो है जब वो उनसे मिले थे तो वो उनके फैन थे, तो इस चीज़ के ऊपर हमारे को जो नियो है वो भी रिएक्ट करते हुए दिखाई देते हैं, जो स्काउट है वो इस चीज़ के ऊपर रिप्लाई करते हैं एंड साथ में वो बात करते हैं अपनी न्यू टीम से रिलेटेड, तो उन्होंने क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। नियो को फैन बोला आपने वो ऑफेंड हो गया, चिल्ले रहे जो है वो है यार, अब मैं इसमें आर्ग्यूमेंट नहीं करूँगा, मैं कुछ चीज़ें थोड़ी बदल दूंगा बोल के यार। अब जितने सारे लोग वहाँ पे थे उस मेरे को अभी भी याद है, इट वॉज पी एम सी ओ 2018 जब मैंने पहली बार, हम सब पहली बार गए थे किसी पहले लैंड पे, इंडिया का सबसे पहले लैंड था वो जो दिल्ली में हुआ था, और वही होता ना लैंड के बाद सब लौंडे थे बकचोदी करते, क्या कर रहे थे रूम में वो मैं बताऊंगा नहीं, मैं भी किस कभी आउटरेज होकर बोल दिया होगा, बट वही सब माहौल बन रहा था तब मैंने सबसे इंडिविजुअली पहली बार मिला था, तो मेरा घातक का अब मैं चलो कहानी बोलता हूँ, किसी ने लैंड पे किसी को मार दिया था थप्पड़ उप्पड़ कुछ, तो तब मैं और घातक मिलकर उसको शॉर्ट कर रहे थे, तब घातक ने आ जाते मैं मिला तो मेरी टीम के लौंडों से, तब जाके ऐसा हुआ, तब ये था, सच बदलता नहीं है जो था वो था, तो जो है वो है यार। मैं अभी किसको जबरदस्ती बिठा के हाँ तू बोल हाँ तू बोल नहीं बोलूंगा, जितने लौंडे वहाँ थे सबने विटनेस किया है, घातक को खुद पता है, तो वही चीज़ है यार, तो मेरे को इसमें
झगड़ा किससे कुछ करना है नहीं, ना ही मेरे को शौक है, मैं अपने लाइफ में बहुत खुश हूँ। और हाँ, न्यू टीम अपडेट, सो यस आई एम प्लेइंग विद सेंसेई, सेफ एंड अ फोर्थ पर्सन। तो आपको जो भी ऑर्ग एक्स वाई जेड ए बी सी जो भी ऑर्ग में हम जाएंगे मैं आपको बता दूंगा। तो बस गाइस यार, अभी के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ थे, एंड आगे कोई और अपडेट मिलेगी तो मैं आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, एंड साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना।